नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी वेयर वी आर डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमी। आई होप आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे, इफ नॉट प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन वेयर वी हैव प्रोवाइडेड द लिंक विच विल डायरेक्ट यू टू आर प्रीवियस वीडियोस सो दैट दीज प्रीवियस वीडियोस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीन से चार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे डिपेंडेंट है, या फिर आप समझ सकते हैं कुछ वर्ड्स जैसे आपने बहुत बार इकोनॉमी में सुना होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो दोस्तों हम बेसिकली आज इन तीनों शब्दों को सबसे पहले तो डीकोड करेंगे और फर्दर हम चलेंगे इसमें प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इनके टैक्सेस, इनकी सब्सिडीज, और इसको कंक्लूड करते हुए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ पाए। देखिए चलते शुरू करते हैं फैक्टर कॉस्ट से और देखेंगे कि कैसे मार्केट प्राइस तक इसको लेके चलेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बताइए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इन द एंड वन एंटरप्रेन्योर, राइट। अब दोस्तों लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ता है, लेबर के लिए वेजेस देनी पड़ती हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर्स विल मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। इन सब चीजों से मिलके बनती है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, राइट। तो ये जितनी कॉस्टिंग आती है दोस्तों इन सबको प्लस करके ये बना देती है फैक्टर कॉस्ट। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये निकल गई फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे कैसे आया जाए, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो एक फॉर्मूला कि फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं प्रोडक्शन टैक्सेस, वर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इलैबोरेट करूंगा मगर यहां पे मैं बोल रहा हूं प्रोडक्शन, जब हम नीचे वाला पढ़ेंगे तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में जब प्रोडक्शन टैक्सेस को प्लस करेंगे और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करेंगे तो ये लीड करेगा बेसिक प्राइस की तरफ, मतलब कि यहां पर मैं प्लस पीटी और माइनस पीएस लिख सकता हूं, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, राइट। तो ये चीज लीड कर रही है बेसिक प्राइस के लिए। तो अब बेसिक प्राइस हुई क्या, ये हुई दोस्तों कि जो प्रोडक्शन के टाइम पे टैक्स लगते हैं, ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन जब मैं बात करूंगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब कि जैसे कि आपको जो स्टाम्प ड्यूटीज देनी पड़ती है, कुछ फीस देनी पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए, तो इससे यह मतलब नहीं है कि वहां पर आप कितना वॉल्यूम बना रहे हो, कितनी चीजें बना रहे हो, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो यू हैव टू पे दैट फी, और वो जो फी है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस। और वहीं अगर सरकार किसी चीज के, जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप पे सब्सिडी देगी, तो ये प्रोडक्शन सब्सिडी मिल गई, उसको माइनस कर दोगे आप। वहीं अगर सिगरेट्स बना रहे हो, सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्रोडक्शन टैक्सेस लगाएगी गवर्नमेंट, ज्यादा लगाने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से अगर आप प्रोडक्शन टैक्सेस को फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दोगे इन सब में और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दोगे फैक्टर कॉस्ट में से, तो यू विल लीड टू द बेसिक प्राइस। अब दूसरा देखते हैं, फिर एक बार और हम कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाए। अब चलते हैं हम मार्केट प्राइस के लिए। अब हमको बेसिक प्राइस से यहां आना है, अभी हम फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे आ चुके हैं। अब बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अब प्रोडक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। किसमें से, फैक्टर कॉस्ट में से नहीं, बेसिक प्राइस में से। तो हम बेसिक प्राइस में से अगर प्रोडक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो इट विल लीड टू द मार्केट प्राइस। ये हमने समझ लिया। अब यहां पे प्रोडक्ट क्या होता है, अगेन जैसा कि मैंने बताया था प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, मगर जो प्रोडक्ट है वो, जो प्रोडक्ट के टैक्सेस है वो आपको पर यूनिट प्रोडक्शन पे देना पड़ते हैं, पर यूनिट पे देना पड़ते हैं, इसीलिए ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे बेसिक प्राइस से हम मार्केट प्राइस पे गए और कैसे फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पर हम आए थे। तो देखिए ध्यान से एक चीज देखिए, अब अगर मैं इन दोनों को समअप कर दूं
तो ऑब्वियसली मैं मार्केट प्राइस एक और तरीके से निकाल सकता हूं, मतलब कि मार्केट प्राइस मैं इसको हटा दूं अगर बेसिक प्राइस को, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट से भी तो नाप सकता हूं, बिल्कुल नाप सकता हूं। कैसे? मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस ये वाला और ये वाला, तो इसमें क्या मतलब कि होगा, प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, जिसको कि यहां पे नाम दिया जाता है दोस्तों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसीलिए फॉर्मूला बनता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्लस कौन सी दो चीजें होंगी, ये वाली, और माइनस कौन सी दो चीजें होंगी, ये वाली, ठीक है, जो कि इसको बनाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज which will make the net indirect taxes, और वो क्या लीड करता है, मार्केट प्राइस। हम इसका रेलिवेंस भी देखने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये होता है दोस्तों फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस तक का कंक्लूजन। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्यों हम यहां पे प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे बात करते हैं बेसिक प्राइस के आने के लिए, और क्यों हम यहां पे प्रोडक्ट यूज करते हैं। फैक्टर कॉस्ट को आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो फैक्ट्री से निकलते हुए जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रहती है वो यहां पे हम मेजर करते हैं। इसका नाम भी इनफैक्ट इसीलिए पड़ा है, और आप मार्केट प्राइस से समझ ही गए होंगे कि प्रोडक्ट जब मार्केट में रीच कर रहा है, राइट। और ऐसा आपको एग्जांपल देखना है तो आप ये भी देख सकते हो, जैसे कोई 5000 रुपए की चीज कंपनी से निकली और मार्केट प्राइस हो गई उसकी 10,000 रुपीज, तो वो इन्हीं कारण से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से एड होके बन जाती है। अब दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, हमने जो इतनी बड़ी एक कहानी रची, ये होता क्या है। एग्जांपल मान लीजिए दो साल लेते हैं, 2018 लास्ट ईयर और करंट ईयर 2019, दोनों में हम मान के चलते हैं। देखिए यहां हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे, अगर हमको ये चीज नहीं पता होती तो गलत फिगर्स दे सकती थी, मगर नहीं दे पाएगी। अब मान लीजिए 2018 में भी प्रोडक्शन 100 चीजों का हो रहा है, 2019 में भी ये प्रोडक्शन 100 चीजों का हो रहा है, राइट। अब यहां पे जो इस 100 को चीजों में बनाने में खर्चा हुआ, जैसा कि हमने देखा कॉस्ट इनकट इन प्रोडक्शन, वो हुआ मान लीजिए 10 रुपए का, राइट। तो अब यहां से अगर मैं जीडीपी निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी, 1000, तो ये आ गई। उसी के बाद में अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि यहां पे टैक्स जो था वो 1 रुपए था, तो यहां पे मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अभी हमने देखा ना क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो टैक्सेस 1, फैक्टर कॉस्ट 10, इट विल मेक इट टू 11। अब यहां पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस इनटू प्रोडक्शन 100 इनटू 11 व्हिच विल मेक इट टू 1100। नाउ कम अगेन हियर फैक्टर कॉस्ट, अगेन लेट इट बी 10 ओनली, यहां पे 10 ही है, यहां पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगेन 1000, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ लेट टैक्स इंक्रीज टू रुपी 5, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए 1 से 5 हो गए, मार्केट प्राइस कितनी हो गई दोस्तों, जैसा हमने जानते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो टैक्स 5, फैक्टर कॉस्ट 10, यहां पे कितनी हो गई 15। अब यहां पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस इंटू प्रोडक्शन 1500। अब क्या आप ये फिगर देख के बोलोगे कि हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ गई 1100 से 1500? बिल्कुल बोलोगे, ऑब्वियसली बढ़ी है 1100 से 1500, मगर फिर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट तो आपकी बढ़ी नहीं, वो तो अभी भी 1000 से 1000 तक ही है। तो ये क्या है, क्योंकि आपके यहां पे टैक्स रेट बढ़ा दिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, तो यहां पे आपकी जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो बढ़ गई, मगर क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ा, आपकी प्रोडक्शन के कारण जीडीपी बढ़ी नहीं, हमने यहां पे देखा प्रोडक्शन अभी भी कितना है 100 ही है। तो ये चीज ना हो हम पता कर पाए कि क्या प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमारी जीडीपी बढ़ी है या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने के कारण हमारी जीडीपी बढ़ी है, हम यहां से ये चीज बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका रेलिवेंस था कि क्या हम फैक्टर कॉस्ट और क्यों मार्केट प्राइस निकालते हैं और किस तरीके से निकालते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हुई होंगी। इफ यस डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वी रेगुलरली अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोस, एंड ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स द नेक्स्ट टॉपिक विच यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मी। इन द एंड कीप शाइनिंग एंड हैव अ गुड डे, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज जहां पे हम रोज डेली न्यूज एनालिसिस अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।